यूथ कांग्रेस आगामी 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के होने वाले रैली को लेकर पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी कमर कस ली है। रैली का नाम जन आकांक्षा रैली रखा गया है। इसी को लेकर मोतिहारी युवा कांग्रेस द्वारा ढाका में मीटिंग लगाई गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष बिट्टू यादव द्वारा की गई, जहाँ रैली को सफल बनाने बार की चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। साथ ही युवा जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि इस रैली को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। ये बैठक युवा नेता, गरीबों का नेता, हम सब का नेता, युवा सम्राट आदरणीय राहुल गांधी जी 27 वर्ष के बाद बिहार में एक विशाल महा रैली करने जा रहे हैं, जो रैली जन आकांक्षा रैली का नाम है। वो 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आएंगे, जिसको लेकर युवा कांग्रेस पूर्वी चंपारण सभी प्रखंड, सभी विधानसभा, जिले के सभी विधानसभा में जाकर युवाओं को जोश देने की काम कर रही है, युवाओं को आग्रह कर रही है कि युवाओं की सोच, एकमात्र तो ऐसा नेता है जो युवाओं की बात सोचता है, खुद एक युवा है, उनको रैली में जाकर सफल बनाए। हम आशा रखते हैं कि जिस तरह समर्थन ढाका प्रखंड में मिला है युवाओं को, लगता है कि यहाँ से ज़्यादा संख्या में युवाओं ने पटना के गांधी मैदान में जाने का काम करेंगे और समर्थन मिल रहा है। जिस तरह इस देश में युवाओं को वोट लेकर और नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने का काम किए, प्रधानमंत्री बने, और जब उनका सत्ता आया लगभग 5 साल उनके पुगने जा रहा है। सबसे बेसी अगर किसी को ठगने का काम किए हैं तो युवाओं को ठगने का काम किए हैं। इसलिए युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। युवाओं ने अब की बार ठान लिया है कि युवा प्रधानमंत्री के रूप में भारत को, देश को, में चाहता है कि युवा प्रधानमंत्री हो। युवाओं में, राहुल गांधी में, युवाओं के प्रति काफ़ी सोच है, किसानों के प्रति सोच है।